तो अब ये इस रिपोर्ट को हुकूमत की जानिब से टोटली मुस्तरद कर दिया गया है, क्या फरमाइएगा? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया नीलम नवाब साहिबा। आप देखिए, रिपोर्ट को इन्होंने मुस्तरद किया, लेकिन उससे पहले इनके वजीर आजम इमरान खान साहब जो बैरून मुल्क गए और वहाँ बहुत ज्यादा एड्रेस बड़ा जोरदार किया, वो क्या मशवरा देते हैं कि अखबारात मत पढ़ें और टॉक शोज मत देखें, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या अखबारात ना पढ़ने और टॉक शोज न सुनने से पेट्रोल जो है वो 60 रुपए लीटर हो जाएगा और चीनी जो है वो 40 रुपए किलो हो जाएगी, आटा फिर वापस 35-40 रुपए किलो, हमारा जो नवाज शरीफ का दौर है उस दौर में चला जाएगा? ये कैसी कैसी बातें करते हैं जो सच्ची बात है। मैं नहीं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन एक मोटी अकल का आदमी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। वहां अपनी हुकूमत का दावा कर रहे हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंट हुकूमत है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनके मुंह पर ये जो स्याही मल के इनका मुंह सफेद कर दिया है ना, तो ये जरा देखना। अच्छा, अब ये करें कि ये जो मोहतरमा रिजेक्ट कर रही हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को, तो जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप्स आप सुना दें जो उन्होंने इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हक में कहे हैं। क्या कुछ नहीं कहा, इसलिए ये जो है अपना